अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बैठी रोटी। सबसे पहले हमने 1.5 किलो गुड़ लिया है। हमने 1.5 किलो ककड़ी को ग्रेट करके लिया है। हमें जो हमने गुड़ लिया है 1.5 किलो, उसे हम इसमें डाल के इसे हाथों की मदद से पिघला लेंगे। इसमें हम स्वादानुसार नमक शामिल करेंगे। हमने 2 बड़े साइज के नारियल को ग्रेट करके लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें 1.5 किलो चावल को रात भर भिगोने के लिए रख देना है। उसके बाद उसे छान कर अच्छी तरह भून लेना है और उसे हमें दरदरा पीस लेना है। उसके बाद हमें जो हमने गुड़ पिघला कर लिया है, इसमें इसे शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करना है। अब हम इसमें 1 लीटर पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे चूल्हे पर हिलाते हुए अच्छी तरह पकाएंगे जब तक इसका पानी सूख न जाए। अगर आपके पास चूल्हा नहीं है इस तरह से, तो आप ओवन में भी इसे बेक कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 कटोरी कटे हुए बादाम शामिल करेंगे। जब ये अच्छे से सूख जाए, तब हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर। जब ये इस तरह से सूख जाए, तब हम हाथों को थोड़ा पानी लेके इसे अच्छी तरह टैप कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर एक थाला रखेंगे, उसके ऊपर भी हम इसी तरह से अंगार जलाएंगे। जब 20 मिनट हो जाए, तब हम इसके ऊपर का थाला निकाल लेंगे और उसके ऊपर की इस तरह से पतली लेयर निकाल लेंगे। अब फिर से हम ऊपर नीचे अंगार करके इसे 2 घंटे के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए, तब हम इसे इसी तरह काट लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से बनके रेडी हो चुका है। ये हमारी कोकनी रेसिपी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी फैमिली में शेयर करना।